दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी बैटरी आती है जो आंख झपकाते ही चार्ज हो जाए और जिसकी लाइफ जो है टेन टू ट्वेंटी टाइम ज्यादा हो आपके लिथियम आयन बैटरी से या कन्वेंशनल बैटरी से अब ये समझ लीजिए एक ऐसा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक गैस गजलर की तरह चार्ज हो जाए और जिसकी लाइफ जो है एक पावर टूल की तरह हो जो कभी डेडी ना हो तो इसको समझने के लिए आपको लग रहा होगा कि कितना साइंटिफिक लग रहा होगा या कितना साइफाई आपको साउंड कर रहा होगा ना ये बट आज की वीडियो में हम इसी एक हाइब्रिड बैटरीज के बारे में बात करने वाले हैं या सुपर बैटरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को टोटली totally रेवोल्यूशन करने वाला है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा आपको ये वीडियो जो है इन डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा हाइब्रिड बैटरीज के बारे में कि कैसे वो काम करते हैं क्या क्या उसके कॉम्पोनेट्स उसके इम्प्लीकेशन है साथ ही साथ उसके कहाँ पे एप्लीकेशन है ये सारी चीजें जो है आपको इस वीडियो के अंदर समझाई जाएगी तो लेट्स गेट स्टार्ट विद हाइब्रिड बैटरीज तो वट इज हाइब्रिड बैटरी अब हाइब्रिड बैटरी को आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसके अंदर हम एक नॉर्मल सेल्स जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है और सुपर

तो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे उसकी हाई पावर डेंसिटी है उसकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा है तीसरा उसके अंदर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है अब ऐसा समझ लीजिए कि नॉर्मल आपकी जो लिथियम आयन बैटरीज है इट्स लाइक अ मैराथन रनर जो एनर्जी स्टोर तो करता है बट वो बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है साथ ही में एक जो सुपर कैपेसिटर होता है इट्स लाइक अ स्प्रिंटर जहां वो स्टोर एनर्जी स्टोर करता है एंड इंस्टेंटली रिलीज कर देता है लाइक इट वॉन्ट टू कंप्लीट अ हंड्रेड मीटर्स इन फ्यू सेकेंड्स लाइक तो उस तरीके से जो है अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं इन दोनों को कंबाइन करने से जो हमें मिलता है उसको हम बोल रहे हैं हाइब्रिड बैटरीज और जिसकी तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताई हाई पावर डेंसिटी फास्ट चार्जिंग साथ ही साथ जिसको आपको लॉन्ग लाइफ देखने को मिलती है इन तीनों के पीछे ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काम कर रही है कि हम बैटरीज को और अच्छा बना सके और फास्ट चार्जिंग कर सकें या उसके अंदर से जो है हम पावर ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली काम कैसे करता है हाइब्रिड बैटरीज तो हाइब्रिड बैटरीज को काम को समझने के लिए हम दोनों के काम को समझ लेते हैं कि बैटरी कैसे काम करता है एक नॉर्मल और सुपर कैपेसिटर कैसे काम करता है सबसे पहले एक बैटरी कैसे काम करती है तो बैटरी के अंदर क्या होता है एक में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो केमिकल रिएक्शन है होते हैं वो केमिकल रिएक्शन जो है चार्ज को होल्ड अप करके रखते हैं जब आप अपनी डिवाइस को उसमें कनेक्ट करते हैं तो अगेन वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपके डिवाइस के थ्रू होते हुए जाता है और वो आपके डिवाइस को पावर अप कर देता है तो यहाँ पे जो है हमारा डिस्चार्ज फेज हुआ अब सेम

शूट शूटअप करते हैं इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता दैट्स वाई सुपर कैपेसिटर इज एबल टू डिलीवर द इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज फास्टर नॉर्मल बैटरीज। सो हाइब्रिड बैटरी के अंदर क्या होता है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड हो गया एक एक जगह आपको जो है जहां पे आपका एनर्जी बहुत लंबे समय तक स्टोर है और बहुत लंबे समय तक आपको पावर मिलती है दूसरा जो है आपको बहुत लंबी स्टोर एनर्जी स्टोरेज मिलती है बट बहुत जल्दी जो है वो उसको चार्जअप करने के लिए डिस्चार्ज हो जाती है तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने बनाया एक हाइब्रिड बैटरी अब हाइब्रिड बैटरी के अंदर जो स्केलेटन बेसिकली एक कंपनी है जो जर्म, जर्मनी में जो बेसिकली इसके ऊपर काम कर रही है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ग्रेफीन अब ये ग्रेफीन जो है एक कर्व्ड ग्रेफीन है कर्व्ड ग्रेफ़िन एज इन कि मान लीजिए कोई पेपर है आप उसको क्रम्बल कर दें तो जो क्रम्बल करने के बाद जो पेपर बनेगा उसको आप जब सीधा करने लगेंगे तो उसके अंदर देखेंगे आप हल्के हल्के डॉट्स बन जाते हैं या लाइन्स बन जाती हैं तो उसका सर्फेस एरिया जो है बेसिकली बढ़ गया अब इस सर्फेस एरिया के बढ़ने से क्या होता है कि वहां पर जो है आपको इंक्रीज इन एनर्जी मिलता है अब ये इंक्रीज इन एनर्जी विद द ग्रेफीन जो है वो सेवेंटी फाइव परसेंट ज्यादा होता है एक नॉर्मल बैटरी से तो आप समझ सकते हैं कि स्पेशली एक ग्रेफीन को यूज करने से हम सेवेंटी फाइव परसेंट एनर्जी जो है इंक्रीज कर रहे हैं और इसके अंदर जो स्केलेटन ने बोला है कि वो कोई कॉबर्ट यूज़ नहीं कर रहे कोई कॉपर यूज़ नहीं कर रहे और जो लिथियम है इज लेस देन फाइव परसेंट लीथियम जो है उसके अंदर यूज़ किया जा रहा है लिथियम यूज़ किया जा रहा है बट इट्स लेस देन फाइव परसेंट हमारे जो मिनरल्स हैं या हमारे जो रिसोर्स की हम बात करते हैं या इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की बात करते हैं वो इसको भी जो है बहुत हद तक हेल्प कर रहा है हमारी इन्वामेंट को बचाने के अंदर या हमारे चीज़ों को सेफ़ रखने के हमारे सोर्सेज को सेफ रखने के लिए अब अगर बात करी जाए कि एडवांटेज़ क्या हैं सबसे बड़े बड़े हाइब्रिड बैटरीज के तो हाइब्रिड बैटरीज के तीन बड़े एडवांटेज मैंने आपको बताए थे कि पावर डेंसिटी है तो हाइब्रिड बैटरी जो है वो एक इट कैन डिलीवर मोर पावर इन शॉर्टर टाइम कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल बैटरी अब जब हम बात करते हैं तो उसकी टेन टाइम्स मोर पावर वो जनरेट करता है और नंबर्स में आपको मैं बताऊं तो वो जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी वो फाइव किलोवाट पर केजी है मतलब एक केजी से जो है आप फोर किलोवाट तक जो है या फाइव आर वाट किलोवाट जो है आप एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी उसकी होती है एंड सेम टाइम पे अगर आप बात करें तो इट कैन एक्सक्ल्ट लाइक एन रॉकेट तो इसके अंदर जो पावर होता है या इसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत तेजी से जो है ये आपकी बैटरी को पावर मतलब पावर प्रोवाइड कर सकती है व्हीकल को अब बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग स्पीड के बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपकी पलक झपकते ही जो है यहाँ पे चार्ज हो जाएंगी चीज़ें तो हो सकता है कि आपको ये सब देखने को मिले कि आपने अपनी व्हीकल को लगाया एंड इट गॉट चार्ज प्लग में लगाया और चार्ज हो गई अब आप इट्स रेडी टू ड्राइव तो ये सब चीज़ें जो है हमें बहुत ज्यादा फैसिनेट करने वाले हैं ईवी इंडस्ट्री के अंदर कि हम जिस चीज के बारे में बात करते थे कि फ्यूल बनाने में पांच मिनट लगते हैं ईवी को चार्ज करने में फोर्टी फाइव मिनट्स लगते हैं तो ये सब चीजें जो है हम इससे कैप्चर करने वाले हैं एंड इमेजिन दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तक जो है इस कंपनी ने बोला है कि वो सेकंड या थर्ड जनरेशन तक आएगी विच विल रिड्यूस इट्स कॉस्ट एंड विच विल इंप्रूव केमिस्ट्री एंड इट विल इंप्रूव द पावर एंड इम्प्रूव चार्जिंग टाइम थर्ड पॉइंट है इसका सबसे बड़ा पॉइंट है वो है इसकी लाइफ साइकिल अब इमेजिन करिए आपकी जो बैटरी है फोन की जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं या लैप टॉप में आप वीडियो देख रहे हैं उसकी ज्यादा ज्यादा कितनी लाइफ साइकिल होगी थाउजेंड साइकिल फाइव हंड्रेड साइकिल्स इससे ज्यादा कोई बैटरी लाइफ साइकिल्स नहीं होती इवन जो आपकी व्हीकल्स है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मैक्स टू मैक्स जो है वो फिफ्टीन हंड्रेड साइकिल्स होती है एक सेल की तो इसको अगर मैं बात करूँ इस कैपेसिटर की अगर मैं आपको इसके नंबर बताऊंगा तो यू विल बी वाओ और यू विल बी इन शॉक इसकी जो लाइफ साइकिल है वो फिफ्टी है है आप इसको आज करना शुरू करेंगे तो आपके पोते जो है, हो सकता है इस व्हीकल को देखें या इस व्हीकल की इस बैटरी को यूज कर रहे हो तो इससे जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा फायदा फायदा होता है हम बहुत फायदा मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट सेफ्टी टर्म्स ऑफ मटीरियल सेविंग इन टर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल और इन टर्म्स ऑफ यूजिंग योर व्हीकल एज वेल सबसे बड़ा कंसर्न जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में लिथियम आयन को लेके है या जो हमारी ईवी इलेक्ट्रिसिटी ईवी व्हीकल्स के साथ है वो है सेफ्टी को लेके कि पंचर हुआ तो इट्स लाइक अ बॉम्ब फट सकता है आग लग सकती है इसके अंदर जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होता है वो इतना मिनिमल हीट जनरेट करती है कि इसके अंदर आप एयर कूल cool भी अगर लगाएंगे ना सिस्टम तो भी ये इसको कूल cool कर सकता है इतना एफिशिएंट या इतना लेस हीट जनरेट होती है इस पूरे सिस्टम के अंदर तो जब मैं इतने सारे एडवांटेजेस बता रहा हूँ तो अभी तक ये मार्केट में क्यों नहीं आया क्या ऐसा कारण है जो इसको होल्ड अप कर रहा है तो हमने देखा कि इसकी पावर डेंसिटी ज्यादा है इसकी चार्जिंग ज्यादा है सेफ्टी भी अच्छी खासी है इसके साथ जो है आप लाइफ साइकिल भी अच्छी है बट जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं अब हम उनको डिस्कस करेंगे इसकी जो डिसएडवांटेजेस है ना वो है इसका एनर्जी डेंसिटी अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो मान लीजिए आपके पास दो बॉटल है एक आपके पास एक लीटर की लंबी बॉटल है एक आपके पास एक लीटर की जो है शॉर्ट बॉटल है बट इट्स अ मोर इन वि तो आप देखेंगे कि जो आपकी बड़ी वाली बॉटल है उसके अंदर से जब आप पानी निकालेंगे तो बहुत धीरे 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 पानी निकलेगा बट इट कैन स्टोर अ वाटर अप टू अ लार्ज क्वान्टिटी ठीक है सेम अगर मैं यूज़ करूँ आपके आ, कप, दूसरी बॉटल जिसका विथ ज़्यादा है और हाइट कम है उससे पानी बहुत तेज़ी से निकलेगा और उसके अंदर जो है आप सेम एनर्जी अगर स्टोर कर रहे हैं तो इट विल डिस्चार्ज फास्टर तो एनर्जी डेंसिटी जो है इट्स एबिलिटी टू स्टोर दी एनर्जी वो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कम अभी तक देखी गई है बट इन फ्यूचर जो हो सकता है आपको ये इम्प्रूव मिले इसकी साइ इसके जो शेप्स हैं वो चेंज हो जाए एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा स्टोर कर पाए क्योंकि ग्रेफीन जो है इट्स अ रेवोलूशनाइज प्रोडक्ट इट्स अ रेवोल्यूशन इन द लिथियम आयन इवन एज वेल बिकॉज कमिंग इन फ्यूचर आपको लिथियम कम ऑन ग्रेफीन ज़्यादा देखने को मिलेगा दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवाटेज है इसका कॉस्ट अभी ये नॉर्मल बैटरीज से जो है टू टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट करता है दैट्स वाई इनकमिंग फ्यूचर्स स्केलेटन ने बोला है कि इसको जो है वो और चीपर फॉर्म में लेके आएंगे बाय 2024 एंड जो है वो इसका मास प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है एक एप्लीकेशंस जो हैं इनके स्टेशनरी आप कह सकते हैं बैटरीज में ज़्यादा रहेंगे इन टर्म्स जहाँ पे आपको हायर पावर चाहिए बहुत तेजी से वो इंडस्ट्रीज भी उन्होंने फाइनलाइज कर ली है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे बट कॉस्ट अभी टू टाइम ज्यादा है इसकी वजह से कॉस्ट इंप्लीकेशन को देखते हुए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च कर रही है और डेवलप होगा तो आपको आने वाले टाइम्स में देखने को मिलेगा थर्ड जो है इसका प्रोडक्शन प्रोडक्शन जो है अभी इसकी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज आप जब दोनों चीजों को मिला रहे हैं तो आपको बहुत संभाल के यूज करना है कि कौन सा केमिकल कितना यूज होगा बैटरी की क्या पावर होनी चाहिए कैपेसिटर कितना होना चाहिए कंबाइन कैसे होगा डिस्चार्ज चार्ज कैसे होगा इसके लिए क्या कंप्यूटर्स लगेंगे इसके अंदर किस तरीके का प्रोसेसर होगा बिकॉज बी जो है वो कम्युनिकेट करना चाहिए किस समय पर कैपेसिटर चार्ज होगा किस समय पर कैपेसिटर एनर्जी रिलीज करेगा टू तो चार्ज दी बैटरी या बैटरी डायरेक्ट चार्ज होगी इन सब एप्लीकेशन को या इन सब सिनरियोज को जो है अभी हमें और अच्छे से समझना है इस वजह से इसकी जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से ही जो है चार्जेस भी ज्यादा है और प्रोडक्शन जो है इसका वो भी थोड़ा टफ है दैट्स वाई अभी तक जो है सिर्फ और सिर्फ इसको स्केलेटन ही जो है बेसिकली मैनुफैक्चर कर रहा है उन्होंने अपने प्लांट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली इन फिनलैंड लगाया हुआ है उसको वहां पे जो है इसकी प्रोडक्शन शुरू होने वाली है अब हम बात कर लेते हैं कि स्केलेटन ने इसका फ्यूचर क्या सोचा हुआ है सबसे पहले जो काम करने वाले हैं वो इसकी कॉस्ट रिडक्शन पे काम करने वाले हैं सेकेंड जो इसके अंदर वो काम करने वाले हैं इसके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज करेंगे इसकी शेप को चेंज करेंगे ताकि वो मार्केट की एक्सेप्टेंस को बढ़ाए केमिकल रिएक्शन में अगर मैं मेजरली बात करूँ या कहाँ जहाँ उनको मेजरली काम करने की जरूरत है वो है उसका एनर्जी डेंसिटी साथ ही साथ उसका शेप ये दो एरियाज मुझे लगता है कि जहां पे उनको काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है एंड इवन आई एम थिंकिंग कि स्केलेटन भी जो है उसी प्रस, उसी प्रोसेस में सोच रहा होगा आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ल दी हाइब्रिड बैटरीज इन द फ्यूचर आपको व्हीकल के अंदर देखना पसंद लगेगा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसकी रिक्वायरमेंट है जो ये फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है तो आप हाइब्रिड बैटरीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आशा करता हूं आपको हाइब्रिड बैटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं क्या इसके डिसेज है हाउ इट वर्क आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक like करें शेयर करें और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना भूलें जब भी ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग या न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में कोई वीडियो डलेगी सबसे पहले आपके पास नोटिफाइन Thank you for watching this video and have a good day.